आज तुम्हारी मौत के साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारी मौत के साथ तुम्हारी कहानी और तुम्हारा हर झूठ सब खत्म हो जाएगा। क्या हो रहा तुम्हें? सांस नहीं ले पा रही तुम? सांस लेने में तकलीफ हो रही तुम्हें? कौन है मुझे? क्या हो रहा तुम्हें? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जान मैं बचाऊंगा तुम्हें। बस तुम्हें यह कहना होगा कि तुमने जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। तुम्हें बस अपनी हर गलती कबूल करनी। कहोगे तुमने मेरी माँ को मारा, कहोगे तुमने बाबा पे जो भी इल्जाम लगाए वो सारी झूठ है। कहो दर्पण, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। बस तुम्हें अपने सारे सच कबूल करने। कहो दर्पण, दर्पण कहो मुझे, अपनी हर गलती के लिए माफी मांगो मुझसे। सॉरी राघव, मैंने तुम्हें भरोसा किया। अरे सोचा तुम्हें अच्छाई बाकी, तुम्हें इंसानियत, तुम्हारे अंदर की इंसानियत बाकी है। मैंने सोचा मुझे मेरा बचपन का दोस्त राघव मिल जाएगा, खुद को निर्दोष साबित करना चाहती थी। I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर पाई। अंतिम सांस तक यही कहूंगी, मैंने नारायणी आंटी को नहीं मारा, नहीं मारा। उस आसरा जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसे तुम अपना भगवान मानते हो, जो भगवान नहीं राक्षस, तुम देखना ना कहोगे मैं मर भी गई ना, तुम्हें मैं इंसाफ नहीं कर पाई ना, तो भी वो मैं इंसाफ नहीं करूंगा। जिद, इतनी जिद, मौत के दरवाजे पे खड़ी हो लेकिन तस से मस नहीं हो रही हो। तुम बेवकूफ बन रही हो। तुम्हें सिर्फ सच कहना है कि तुमने मेरी माँ को मारा है। अरे तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। कहो मुझसे कि सच यही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं, ये सच नहीं है। नहीं आदमी को नहीं मार, विश्वास रहा ने मार। यहाँ मेरे को मत बनो, तुम झूठ को सच साबित करने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही हो। अरे अगर सच कहोगी तो जिंदगी बच जाएगी तुम्हारी। सच ही रखा, जो मेरे साथ चला जाए कि मैं खुद को साबित नहीं कर पाऊंगी। सच यही है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा है। अपनी सेहत बहुत प्यारी है ना तुम्हें, तुम मरो। We'll be right back.
राजेश, तो क्या हुआ अगर अगर हम अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो गए तो क्या हुआ? अगर हम अपने भाई बाबा को इंसाफ नहीं दिला सके तो क्या हुआ? अगर हमें मरना भी पड़े तो हम इनके जैसे तो नहीं बन सकते ना? हम यहाँ इंसाफ पाने आए थे गणेश, किसी को मारने नहीं। मुझे अपनी बहन की राखी की कसम है, तो राघव को कुछ नहीं करेगा। यही कहूंगी, मैंने नारायणी आंटी को नहीं मारा। रुक जा गणेश, तुझे तेरी बहन की कसम है गणेश। दर्पण, आंखें खोलो दर्पण। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जिंदगी भर का बोझ रहेगा मेरे सर पे। गणेश, गणेश आज मुझे मत रोक, मैं दर्पण को हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। मैं चाहे जो हो जाए दर्पण को कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार उसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं, उसके बाद तुझे जो करना है मेरे साथ कर, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे आज मत रोक। ले जाने दे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। देवा, ये काय को मेरे को टेंशन देते है? तू क्या मेरे सामने एक्टिंग करते है?
तू मेरे को बोलना चाहता था ना, फैक्ट्री में आग को लगा है, उधर तू काय को उधर रोड के ऊपर खड़ा हो गया है और गाड़ी के सामने आ गया है, इधर आके सो गया, मेरे सामने नाटक करते तो? अभी मैं तीन तक गिनता है, तू मेरा जवाब नहीं देगा ना तो मैं तेरा बेटी को तेरा बाइकों के पास भेजता है डायरेक्ट, मैं आज शपथ बोलता है भाई। अरे ये विश्वासराव जी क्या कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहे हैं वो मेरे साथ। ये डॉक्टर मैं बोलता है उसको ठीक करने के। भाव मशीन के बारे में बोल रहा था, देव जी की सांसें उसी के कारण चलती है, उसका बाहर निकल गया मशीन का। अता जानेगा जाके ठीक करेगा। मैं एक बोलता है तेरे को, जो कर सकते हैं वो भी करने का है और जो नहीं कर सकते है वो भी करने का है, वो ठीक होना मांगता है। जी 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 सर, जी सर। क्या है फाइनल जाने का? देखिए डॉक्टर, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उनकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। हम जैसे तैसे करके उनकी जान बचा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप भगवान से दुआ करिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। प्लीज जल्दी जाके देखिए। आंटी को नहीं मारा, उन्हें मारा है उसी इंसान ने जिसकी तुम पूजा करते हो, विश्वासराव पाटिल। विश्वास है ना तुम्हें अपने उस भगवान विश्वासराव पर? तो जाकर पूछो उससे कि अचानक देव अंकल और कजरी आंटी कहां गायब हो गए। दर्पण ने बाबा के बारे में जो कुछ कहा सच है? क्या बाबा सच में वैसे नहीं है जैसे मैं सोचता? जिस दिन मेरे को उस दर्पण का इन्फॉर्मेशन मिलता है ना, वो दिन उसका जिंदगी का आखिरी दिन है। तुमने मुझसे कहा था ना राघव, विश्वास राव गुनहगार है, इस बात का क्या सबूत है मेरे पास? सच्चाई मैंने तुम्हारे सामने रख दी। आज मैंने देव काका को देखा, सात साल हो गए यार, वो अपना बाइकों के साथ ऐसा रोड से ऐसा आता और एक्सीडेंट।
दर्पण ठीक हो जाएगी गणेश। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा दर्पण को, उसे तो जीना होगा ना, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। मेरी गलती की सजा दर्पण को नहीं मिल सकती। मैं मानता हूं कि मैंने दर्पण को जहर दिया था, लेकिन मैं उसे मानना नहीं चाह रहा था। मैं बस ये चाहता था कि वो ये बात मान ले कि उसने मेरी माँ को मारा है। मैंने इसीलिए ये सब किया था, लेकिन उसने ये बात मानी नहीं। उसे पता था कि उसने जहर खाया, वो मरने वाली है, लेकिन उसने ये बात मानी नहीं कि उसने मेरी माँ को मारा। मैं समझ ही नहीं पाया कि दर्पण ऐसा क्यों किया। जब वो ये बात जानती थी कि मैंने उसे जहर खिलाया, उसने मुझे क्यों बचाया? कोई खुद के हत्यारे को क्यों बचाएगा? जो खुद के हत्यारे को बचा सकता है, वो किसी की जान कैसे ले सकता है? मेरा दिल कहता है गणेश, शायद दर्पण ने मेरी माँ को नहीं मारा है, शायद मैं अब भी आधे सच को ही जानता हूं। गणेश बार बार मेरा दिल यही कहना चाह रहा है मुझे कि दर्पण नहीं मार सकती मेरी माँ को, लेकिन गणेश अगर दर्पण ने नहीं मारा मेरी माँ को, तो फिर कौन मार सकता है मेरी माँ को? अंतिम सांस तक यही कहोगे, मैंने नारायणी आंटी को नहीं मारा। उसने आसरा जिसके तुम पूजा करते हो, जिसे तुम अपना भगवान मानते हो, जो भगवान नहीं राक्षस है। बाबा गणेश, क्या दर्पण की तरह तुम्हें भी यही लगता है कि पापा मेरी आई को मारे? गणेश पापा ऐसा क्यों करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, पापा क्यों मारेंगे मेरी आई को? लेकिन दर्पण भी झूठ क्यों बोलेगी? अगर दर्पण को झूठ बोलने होता तो मेरी जिंदगी क्यों बचाती? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। प्लीज गणेश, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो सच जानने में। समझ पा रहा हूं,